और ये मेरे साथ बोर है, कोई क्यूट माशाल्लाह से लग रही है ना आज अपनी मर्जी के इसने कपड़े पहने हुए। ये देखे जरा फुल फाइनल होगा। आप लोगों ने पहले वाला व्लॉग देख लिया होगा, उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा क्या क्या हुआ इसके साथ। और यहाँ मैंने खाना रखा हुआ है और अली जो है वो बाहर गेम है। कदन की भी ना अचानक से कॉल आई, वो कह रहे हैं कि मैं ना लाहौर आया हुआ, तो वो कह रहा था मुझे ना आके रिसीव कर ले, तो अली मैंने गेम है अभी आ रहे, तो मैंने कहा चले उनके आने तक ना मैं खाना शाना बना लेती हूँ। मैंने आशा का दूध जो वो गर्म करके रखा हुआ है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना अभी अपने लिए चाय बना लूँ। क्या हुआ आपको? जान के छोटी बच्ची बनी और अपनी जिप खोल के आ गई। ये जिप किसने खोली आपकी? मैंने। देखे जरा जिप खोल के आ गई। आज हमारी आप ही जो है ना काम करने नहीं आई, तो इसलिए हमारे बर्तन काफी सारे पड़े हुए, तो मैंने कहा ये साथ और कुछ धो लेती हूँ। फिर अभी दिल करे कि मैं चाय बना लूँ, चाय वाली देखती हूँ अभी वॉश करती, तो चाय बनाते हैं उसके बाद बर्तनों को धोती हूँ। प्रेशर कुकर की वेट भी चलने लगी हूँ, यहाँ मैंने जो है देखी वॉश कर लिया, मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ एक कप। अच्छा आपने चाय पीनी है? पीनी है। क्या हुआ? ये ना अभी इसकी जिप घूम गई थी ना, ये बता रही है आप लोगों से मेरी जिप घूम गई थी और ये मामा नीचे गिर गई थी, मामा ने ढूंढ के फिर लगाई है ना। हाँ ये बता रही थी, देखा समझ आ जाती है हमें। और यहाँ मैं दूध चाय बनाती हूँ, दूध डालती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा, एक कप चाय। बाकी जब वो आएंगे अभी लोग, तब फिर मैं उनको बना के दूंगी। अभी आप लोगों को ना इरिटेट कर रही होनी है प्रेशर कुकर की वेट। और यहाँ मैं चाय पत्ती और आज मेरी शुगर भी खत्म हुई थी, अली कहते आते हुए मैं ले आऊंगा, तो अभी इसके अंदर भी शक्कर खत्म हुई है, शक्कर डाल लेती हूँ आज, शक्कर और चाय पीते हैं। चाय भी रेडी हो गया और याशा को ना ये पसंद आया, भाई इसमें से नमक पारे खा लिए थे और ये बच गए थे, उस दिन तो खा नहीं रही थी और आज उसको पसंद आ गया, कहती है आज मैंने ये खाना है और स्वीट लग रही है। ये क्या खा रही हो आप? क्या खा रही हो? स्वीट स्वीट ना मजे का लग रहा है इसको। यार इधर ना मुझे लगता है कि गैस खत्म हो गई, चल नहीं रहा, अचानक ही खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। और अब टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, पता नहीं अब मिलेगी भी कि नहीं, खाना मेरा अंदर ही रह गया हुआ है। अब अली को कहती हूँ कि देखते हैं कहीं से मिल जाती है तो ले आए, गैस सिलेंडर ही लेके जाना पड़ेगा, वो मुझे लग रहा है कि अभी नहीं मिल जाने। चाय लेके आई हूँ, इधर आशा जो है बैठी बैठी सो गई है, अब इसको लटाती हूँ एक साइड पे करके। अभी अली को कॉल पे मैंने बताया कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, तो अब बनवाना, अली कहते हैं अब तो नहीं मिलेगा, अब देखते हैं कुछ, मैं घर आता हूँ फिर आप कुछ करते हैं, अब देखते क्या करते हैं। मैं आशा को लटा लूँ जरा, तो लटाती है मैंने सीधा करके, अब ये सो गई है, अब ये अली आएंगे तो उठेगी, तो अभी तो मुझे टेंशन लगी हुई कि खाने का क्या करूँ, खाना नहीं बनना है। अभी मुझे अली की कॉल आई है, मुझे कह रहे हैं कि आप रेडी हो जाएं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है और अभी तो हमें ना सिलेंडर वगैरह गैस वगैरह कुछ भी नहीं मिलना है। तो अली मुझे कह रहे हैं कि मैंने रिसीव कर लिया भाई को, आप मेरे आने तक ना रेडी शेडी हो जाएं तो बाहर खाना खाते हैं, क्योंकि अब सिलेंडर तो कहीं से मिलना नहीं है तो अब बाहर खाना खाएंगे। और आशा को लाके मैंने अंदर लटाया था, ये बार बार उठती है, उठ के बैठती है फिर सो जाती है, इस तरह इसका चल रहा है। और आशा तो रेडी है लेकिन मैंने कहा चले मैं अब थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, कपड़े शपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर अली तब तक आ जाएंगे, अभी काफ़ी दूर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हुआ है। अली आने से पहले ना मैं तैयार श्यार हो जाती हूँ, क्योंकि अली ने नीचे ही आना, मुझे ऐसे ही लेकर चले जाना, और समझ आ को नहीं रही कि कपड़े अब कौन से पहनूँ मैं। और ये वाली शर्ट दिल कर रहा है पहन, ये वाली इसको प्रेस करती हूँ और यही वाली पहनती हूँ, साथ जीन्स पहन लेती हूँ ब्लैक कलर की, जल्दी जल्दी में यही हो सकता है, और हल्का फुल्का सा तैयार भी हो जाते हैं ताकि हम भाई खाना खा सके, ये ना वो रेस्टोरेंट भी बंद हो जाए। शर्ट तो मैंने अपनी प्रेस कर दी और जीन्स तो ऐसे ही पहनी जानी है, और अब मैंने ना यहाँ पर रेडी होना है और इंस्टेंट रेडी होना है। अभी मुझे अली के दोबारा कॉल आई, कहते हैं अक्सर तैयार हो गई है, मैंने कहा अभी मैं कहाँ तैयार हुई है, अब मैंने ना बस हल्की सी लिपस्टिक लगानी है, हल्का हल्का मेकअप करती हूँ। आप लोगों को मैं साथ साथ बता दी कि मैं हल्का सा मेकअप कैसे करती हूँ, नेचुरल मेकअप करके ना फिर जाते हैं, और आप लोगों को बता दी जल्दी जल्दी तैयार होना कैसे होते हैं तैयार। तकरीबन 11 बजे का टाइम है और मैं फिर जो है ना आज एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ, बाकी की सिचुएशन में आपको घर जाकर बताता हूँ कि अचानक मैं एयरपोर्ट क्यों आ गया, और गैरक्सा ने मुझे अभी कॉल किया, घर में सिलेंडर भी खत्म हो गया है, तो बहरहाल अभी एयरपोर्ट पहुँचा हूँ, देखता हूँ अभी यहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं। कपड़े तो मैंने चेंज कर लिए, वैसे जो मैं ऑलमोस्ट वैसे होती हूँ ना तैयार, मैं पहले तैयार होती हूँ, मतलब मेकअप शेकअप करती हूँ, उसके बाद मैं अपने जो से कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, और आज मैंने पहले कपड़े पहन लिए क्योंकि जल्दी जल्दी अगर अली आ भी जाते मेरे तैयार होते होते तो मैं फिर ऐसे ही निकल जाऊंगी। ये मेरी स्किन ये देख लें ऐसे है, और अब मैंने ना सिर्फ इस पर लिपस्टिक लगा लेनी है हल्की सी, मस्कारा मस्कुरा कुछ नहीं लगाना, वरना मैं काफ़ी टाइम लगा के ना इजी होकर मेकअप करती हूँ, और आज मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले तो लगा लेते हैं हम ये वाली लिपस्टिक, ये है जी हुदा ब्यूटी की, नंबर इसका किधर, मुझे लगता है इसका स्टिकर उतर गया, और ये वाली मैं लगा देती हूँ। लिपस्टिक तो मैंने लगा ली है, देखिए कलर कितना प्यारा, ये देखिए बहुत खूबसूरत है ये, मुझे मैं ये ना नेचुरल लुक देता है। आप लोग मेरे से पूछते हैं अक्सर आप कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं, तो मैं ये वाली लिपस्टिक लगाती हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। ब्लश ऑन और टिंट की जगह मैं ये वाली लिपस्टिक यूज करूंगी, ये जल्दी जल्दी लग जाती है, ये देखिए मैंने यहाँ पे फेस पे यहाँ पे लगा लिया, और अब इसको मैं करती हूँ ये देखें
बहुत नेचुरल लुक देती है ये। अच्छा ये टिंट भी बहुत नेचुरल लुक देते हैं। मेरे टिंट ना खत्म हो गए, मैं दोबारा ऑर्डर करने वाले, मैंने कहा दोबारा मंगवा लूंगी, कहीं से अच्छे वाले नजर आते हैं तो मैं मंगवा लूंगी। इतना सा रेडी होना था, हो गई हूँ बस, मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। ओह ये टांगों में फंस गया, बहुत प्यारा लग रहा है वैसे तो। ये देखें फुल लुक। अब बाल वगैरह ब्रश कर लेते हैं, इतना सा ठीक नहीं है, नेचुरल लग रहा है वैसे। मुझे लग रहा है नीचे अली भी आ गए हुए हैं और अब सिर्फ ना बाल ब्रश करना है। ये इतने इतने कर लेते हैं, अली भी आ गए, मुझे अभी उन्होंने कहना निकलो निकलो निकलो, चलो बाल ब्रश कर लेते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा तैयार नहीं हुई, मुझे पता था अली ने जल्दी आ जाना। ओ दरवाज़ा खोलने आ गई, अभी बना रहे मैं तैयार हो रही जल्दी जल्दी, आज मैंने जल्दी जल्दी इतना इंस्टेंट मेकअप किया ना, लिपस्टिक से सारा मैंने मुंह कर लिया तैयार। बच्ची का कर रही है, दोनों एक सेम ही ब्लॉग बना रहे हैं, दोनों ही सेम ब्लॉग। मेरी बच्ची यहाँ पे सोई हुई है, आपका कजन को भी रिसीव कर लिया है और भाई को भी रिसीव कर लिया, एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया, ठीक है ना। मतलब के तोड़ एंड तक एयरपोर्ट तक, और इतनी ट्रैफिक यार, मतलब अभी भी मेरे खोपड़ी काम ही नहीं कर रही। मैं चला गया आज सिटी, अली कब से गए, मैं चला गया अंदर सिटी वाली साइड से, शाम जब से हुई है ना तब से गए। स्टोरी तो सुने, सिटी वाली साइड मैं शहर के अंदर चला जाता हूँ, लाहौर लाहौर में से वो रिंग रोड लंबा बड़ा आ रहा था। अच्छा। वो मैं ऐसा गया हूँ कि जो ट्रैफिक में फंसा हूँ और अब जाके कहीं, मैं 9:10 की फ्लाइट थी और मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूँ तकरीबन कोई 10:30। वही ना अली, मुझे कॉल पे ना बार बार बता रहे थे साथ ही, तो मैं अक्सर इतना रश है, मैं फंसा हुआ हूँ, अब मैं क्या करूँ, लेट ना हो जाए, मेरे का कुछ नहीं होता। गाड़ी में बैठे हुए दोनों, रहती कूती कसर निकल गई, गैस मुक गई हमारी सिलेंडर। मैंने बताया, मैंने कहा गैस खत्म हो गई, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, तो अब कहीं से मिलना ही नहीं, खाना भी कोई पता नहीं लगता है कि नहीं। अभी मैंने एक रेस्टोरेंट फोन करके, ताड़ी मेहरबानी बैठे आज मैं आना पे, तो वो कहते भैया आपका वेट कर रहे हैं, वही जोन सी मारी सुन लेते हैं, केड़े वाला बैरिया टाउन वाले, वो मुझे कहते डाइनी ने आपका, मैंने कहा भाई डाइनी ने, कहते कितने, मैंने कहा वही मैं जो पहले भी आता हूँ आपके पास। फिर उनको याद आया, कहते आप आ जाए, कोई नहीं मसला, 2% बढ़ गए जल्दी करते करते ना, फिर भी लेट ही कर जाने, मेरी कोई ना कोई चीज रह जाती। आशा का बैग रेडी करने वाला था और ये मैं अभी ना शूज ही निकाल के लेके आई, मैंने कहा चलो ये खुसा पहन लेती हूँ, अब यही शर्ट के साथ अच्छा लग रहा है वैसे, ये देखो प्यारा लग रहा है। अच्छा नहीं लगी, मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरा दुपट्टा भी एंड लास्ट टाइम मुझे याद है, मैंने कहा ये भी लेना था, नहीं तो मैंने ऐसे साथ चले जाना था आपके। आपने सोचा होगा मैं दोबारा मिलूंगी भाई को कोई बहुत टाइम बाद, है ना, लेकिन भी नहीं पता अभी। चले अब फिर वो नीचे बैठ के वेट कर रहे हैं, और भूख भी लगी होनी है, चलो ठीक है। ये आशा का ना मैंने बैग ही छोटे वाला रेडी करी, इसके अंदर 2 डायपर और उसकी पैंटे 2 रख ली है मैं, और दूध इसके हाथ में है। तो दोबारा मामू मिल गया और खुश हो गई हुई है, ईद हो गई है उसकी। और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, मैंने कहा ये ना हम लेट हो जाए, लेकिन हम मैंने लेट काफी ज्यादा कर दिया। 47 हो गया, चले अब चलते हैं, ये ना और हम लेट कर दें। शुक्र है कि बेगम जल्दी रेडी होगी। दूसरा मैं एक और चीज बताता हूँ, जिस तरह की आज संडे था, वो आप भी नहीं आई थी, बर्तन भी बहुत ज्यादा बड़े हुए थे काफी ज्यादा, अभी मैंने कुछ धोए भी है, मैं चाय शाय बना रही थी, चाय बनाई है फौरन से गैस खत्म। बेगम मुझे कहती है कोई नहीं मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, अब घर ही नहीं आए, मतलब तैयार शेयर करवा के मैं कर रहे थे यार, फिर जो बाहर ही ले आना फिर बंदा खा लेता है। बिल्कुल, सिलेंडर वाली शॉप पे मैं नजर मार के आया था, मैंने कहा लग रहा खुली हो, कोई नहीं, लेकिन टाइम देखे वाकई मैं खाना बना रही थी, अंदर ही रह गया। 47 हो गया, 12:47 और 10 बजे सारा कुछ बंद हो जाता है। इतनी हम जो है रेस्टोरेंट पे आ गए और आशा की और अली की लड़ाई चल रही है, ये देख के ये सो के उठ के आई और मुंह देख के चिढ़ाती हूँ, ये पकड़ो ये हाँ वो दोनों ले लो, ये मामा के हैं, हमने खाना खाना। ये फॉक जब भी आती है ना, ये फॉक के साथ खेलती रहती है। फॉक किसके साथ खेलती हो, किसका खेल रही है आशा, बेचना स्पून दे, बेच पानी में टूथपिक इसी तरह आते हैं, टूथपिक उधर पड़ी होती है उनके साथ खेलना शुरू कर देती है, और इधर हमारी प्लेट्स वगैरह लगने लगी हैं और हमारा खाना भी आने लगा। पढ़ लिए, पूछो खाना किधर है, खाना किधर है, चपाती किधर है, पूछो वो भी हो रही है, कुछ आइसक्रीम है, नहीं आइसक्रीम नहीं है, खुद ही कह रही है नहीं है। हाँ फाइनली मेरा खाना आ गया, लगने लगा इधर भूख, मैं अपनी गैप पीछे किया, मैं तो अभी नेरा भूख से लग रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, अब अली ना आदत बना ली अपनी कैप खाना, यमी यमी, चलो सारा कुछ छोड़े और खाना शाना खाएं अब, हाँ बिल्कुल, अब बोलना भी बस करें, हमारे जो वर्ड्स है ना वो गलत निकल रहे हैं, वर्ड्स की गलती निकल रही हो रही है। अच्छा आओ खाना खाएं, चल बस ठीक है, बालू उनसे खेल रही है वो, चलो कैसी है कढ़ाई, वाह
खाने के लास्ट पे हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री मिले हैं, ये गुलाब जामुन यम्मी यम्मी गरम गरम। बहुत नरम नरम से हैं, बड़े मजे के। अली मुझे देख रहे हैं। मैं देख ना, मेरे हाथ से बच गया वैसे। नहीं, ये बाकी दो आपके लिए रखे हैं, अभी दो लोग और भी हैं। पांच पूरे ने पूरे पूरे थे हम। जान की कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया और बारिश जो है ना, मौसम बहुत मजे का हुआ है। हाँ, बारिश हो रही है और बारिश हो रही है और इसके साथ क्या चलना चाहिए? चाय। इस मौसम में चाय का मजा तो लेना चाहिए। चाय भी अब पीनी है हमने लास्ट में। अली जो से कोक पी के आए, कहते मैंने चाय नहीं पीनी। सबसे बड़े मजे की बात है, घर में गैस कोई नहीं, चाय मिली तो बाहर से मिलेगी तो कोई नहीं मिली। हाँ, वो बाहर का भी कोई पता नहीं, क्योंकि ये लास्ट रेस्टोरेंट था जो हम लास्ट बैठे हुए थे। हमने खाना खा लिया और दो चार हो गए। हाँ बिल्कुल। और चाय, मुझे नहीं लगता कि चाय भी हमें मिलेगी। मिल जाए तो अच्छी बात होगी, ना मिले तो फिर चले फिर ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा हमें। चलो जी, सारे सो गए हैं और हम इधर बैठे हुए। आशा ये है, मैं ये हूँ, अली ये हैं। और चाय हमने बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बनी, उसमें नाकाम हो गए। तो अब हम थक गए। मैं बहुत ज्यादा शुक्र है कि हमने हमें खाना मिल गया था। ऐसे ही है ना, अली को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तब सर में दर्द हो रही थी, लगी थी और अब थकावट बड़ी हुई थी। बिल्कुल। अब फिर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने कॉमेंट्स में जरूर बताना है और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है। आशा को भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। आशा बाय बाय कर दो। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।